चुके हैं ब्लॉक के ऊपर में, मतलब ब्लॉक के छत जो है उसके ऊपर में आ चुके हैं, और बहुत ही यहाँ से प्यारा व्यू देखने को मिलता है। यहाँ पे देख सकते हैं पूरा कागज से भरा हुआ है, आप चारों साइड का नज़ारा देख सकते हैं, कुछ इस तरह का है। गुड मॉर्निंग गाइज, वेलकम बैक टू माई न्यू ब्लॉग। तो कैसे आप सभी लोग, तो आज आप लोगों को दिखाने वाले हैं अपने रूनी सैदपुर का आपको ब्लॉग। तो वीडियो में बने रहिए फ्रेंड्स। बहुत दिनों से मैं सोच रहा था कि ब्लॉग बनाऊँ अपने रूनी सैदपुर ब्लॉग का, जो कि हम लोगों का वहाँ थाना पड़ता है। तो चलिए आज के इस ब्लॉग में आपको दिखाएंगे रूनी सैदपुर का जो भी पूरा ब्लॉग है, पूरा आपको टूर कराएंगे फ्रेंड्स। तो वीडियो में बने रहिए, और वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। और अभी टाइम हो चुका है 9 और 9 बजे ही जा रहे हैं, तो ताकि 10 बजे तक पहुँच जाए, 1 घंटे जाने में भी लगेगा। और मेरे साथ में जा रहा है मेरा छोटा भाई रोहित, जो कि वहाँ है साइकिल से, दोनों आदमी इसी से जा रहे हैं। तो चलिए चलते हैं और फिर आपको दिखाते हैं पूरा ब्लॉग, आपको टूर कराते हैं। चलिए चलते हैं। अरे मैं और भैया जा रहा हूँ अभी घूमने न्यू रूनी सैदपुर। तो ये देखिए इधर का नज़ारा कैसा है, देख रहा है क्या इधर। आप मेरे पीछे देख सकते हैं, यही है न्यू रूनी सैदपुर ब्लॉक, जिसका ये मेन गेट है, और ये जो रोड जाती है मुजफ्फरपुर के लिए। तो यहाँ पे दो गेट है, एक इधर से जो मेन है, एक उधर से जो बंद है। तो इसके अंदर चलिए और चलते फिर आपको घुमाते हैं। सो गाइस ये रहा अंदर का कुछ नज़ारा, आप देख सकते हैं यहाँ पे बोर्ड वोर्ड लगा हुआ है बहुत सारा, और आप चारों साइड का नज़ारा आप देख सकते हैं कुछ इस तरह का है अंदर से। ये वाला जो है कुछ ही दिन पहले बना हुआ था, और ये वाला जो है पूरा पुराना हो चुका है, जो आप सामने देख रहे हैं ये वाला। और इसके अंदर एक मंदिर भी है, ये आप देख सकते हैं प्रखंड सा अंचल कार्यालय रूनी सैदपुर। ये वाला पूरा पुराना हो चुका है, तो इसमें अब कोई नहीं रहता, सब नया वाला में शिफ्ट हो चुका है, ये ओल्ड वाला है। और इसमें मंदिर भी है, वो भी आपको दिखाते हैं। तो ये रहा मंदिर, आप देख सकते हैं। और ये लोगों के ठहरने के लिए बनाया गया है, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। और चलिए अंदर और फिर आपको दिखाते हैं। और इसमें भी ऑनलाइन से संबंधित जो भी कामें होती है वहाँ पे होती है, जो कि आप यहाँ देख सकते हैं, यहीं पे हो रहा था। पिछले बार मैं आया था तो यहाँ पे हो रहा था, और न्यू वाला आप वहाँ सामने देख सकते हैं, जस्ट वहाँ पे है। तो चलिए वहाँ पे आपको दिखाते हैं। तो ये पूरा पुराना हो चुका है, इसके अंदर आप देख सकते हैं पूरा, मतलब कागज़ पत्थर से पूरा भरा हुआ है, पूरे के पूरे यहाँ पर देख सकते हैं, पूरा कागज़ से भरा हुआ है, पूरा खंडर हो चुका है। तो चलिए अब चलते हैं नया की तरफ। और अभी टाइम 10 बजा है, तो अभी लोग नहीं है, बहुत कम ही लोग है। Hold me close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us. And love is all we'll ever trust. Yeah. No, I don't wanna waste what's left. फ्रेंड्स ये है अंदर का गेट, जो कि आप देख सकते हैं इस ऑफिस का मेन गेट है, और चारों साइड का आप व्यू देख सकते हैं कि किस तरह का है। तो नीचे में मतलब अच्छा डिज़ाइन दिया हुआ है, और ये चारों साइड का व्यू देख सकते हैं। उसके बाद ऊपर में आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, आप पंखा उनका लाइटिंग वाइटिंग सब लगा हुआ है, जो कि उस सब में कमी नहीं है। चलिए चलते हैं आगे। और इस साइड में भी है, और इस साइड में भी है, दोनों साइड में ऑफिस है। तो अभी हम चलते हैं ऊपर की ओर, और ऊपर में भी देखते हैं कि क्या सब है। तो चलते हैं, और यहाँ पे आप देख सकते हैं कोने में ही लोग थूक के चले जाते हैं, जो कि नहीं थूकना चाहिए, इससे गंदा होता है पूरा ऑफिस। उसके बाद चलते हैं ऊपर, और यहाँ पे नोटिस भी दिया हुआ है, और ऊपर से कुछ इस तरह का व्यू देखते हैं तो नीचे दिखता है, और सामने एक विंडो दिया हुआ है, जो कि देखने में बहुत ही अच्छा लगता है।
तो आप यहाँ पे भी देख सकते हो ऊपर का व्यू। इधर भी दोनों साइड ऑफिस है, जैसे नीचे में था सेम टू सेम ऊपर में भी है। तो इसके ऊपर भी चलते हैं और फिर आपको दिखाते हैं। तो चलिए ऊपर चलते हैं। तो ऊपर में भी कुछ नहीं है, खाली है ऊपर में, मतलब एक ही दो ऑफिस है रूम है जो कि सब में ताला वाला लगा हुआ है। और चलिए छत पे चलते हैं ऊपर में और फिर आपको दिखाते हैं छत पे से नज़ारा किस तरह का दिखता है। तो चलिए ऊपर चलते हैं। और ये देख सकते हैं नीचे, जब ऊपर से देखते तो एकदम अजीब सा लगता है। तो चलिए ऊपर चलते हैं और फिर आपको दिखाते हैं। तो ये हम छत पे आ चुके हैं। सो गाइस, हम आ चुके हैं ब्लॉक के ऊपर में, मतलब ब्लॉक के छत जो है उसके ऊपर में आ चुके हैं। और बहुत ही यहाँ से प्यारा व्यू देखने को मिलता है जो कि आप यहाँ से देख सकते हैं। तो रोहित और हम दोनों आदमी, ऐसे ब्लॉक में भी आदमी नहीं है क्योंकि अभी 10 बजा है, तो इस टाइम काम नहीं होता है, काम 11 बजे के बाद से ही होता है। तो देखने बहुत ही खूबसूरत लगता है। और हमारे पीछे देख सकते हैं यहाँ पे सोलर प्लेट भी लगा हुआ है छत के ऊपर में, जो कि बहुत अच्छी बात है। बिजली जो है सोलर प्लेट से भी उत्पन्न होता है यहाँ पे। और फिलहाल ऊपर में दो टंकी रखा हुआ है, आप देख सकते हैं इस तरह का ब्लॉक है, बहुत ही प्यारा लगता है देखने में। और इधर आपको दिखाते हैं क्या है। तो इस साइड में अगर आप जाते हैं तो यहाँ पे कुछ मशीनें जो कि लगा हुआ है मेरे पीछे, आप देख सकते हैं यहाँ पे कुछ मशीनें लगा हुआ है जो कि छत के ऊपर में ही लगा हुआ है। और जस्ट इस साइड में आप देख सकते हैं पीछे का व्यू कुछ इस तरह का है। और आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छा लगता है यहाँ से देखने के बाद। तो चलिए अब चलते हैं नीचे और फिर आपको दिखाते हैं। बहकी सभी जुबां है, हम हैं हजारों में, अब की कमी जरा है, हर चीज खास है। अब है जो है वो समा है, तुम रह सके तो रबा है। अब है जो है वो समा है, तुम रह सके ऐसी जीत, अब चाहे जिंदगी ऐसी जीत, अब चाहे जिंदगी है। तो चलिए चलते हैं नीचे और फिर आपको नीचे से दिखाते हैं। तो यहाँ का कुछ इस तरह का नज़ारा, आप चारों साइड का नज़ारा देख सकते हैं कुछ इस तरह का है। तो यहाँ ये रहा मेन गेट। ऐसे आपको सारा चीज़ हम दिखा दिए इस ब्लॉग में दोस्तों। तो ब्लॉग कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और ब्लॉग अगर थोड़ा भी अगर आपको अच्छा लगा, थोड़ा भी अगर नॉलेज मिला होगा इस ब्लॉग से, तो प्लीज़ इस ब्लॉग को लाइक करें, शेयर करें। एंड चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। तो आज इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए जहाँ भी रहिए मचाते रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।